दूर के दर्शन, दूरदर्शन। गाइज मैंने अभी अभी ये मूवी कंप्लीट की है पूरी, और इस मूवी को डायरेक्ट किया गगन पुरी ने। इस मूवी में भरपूर कॉमेडी प्लस इमोशनल सीन्स और मॉरल वैल्यूज़ को काफ़ी अच्छे से दिखाया है। इस मूवी के प्लॉट की बात करें तो इस मूवी में सुनील का कैरेक्टर प्ले किया है मनु ऋषि चड्ढा ने, और इनकी वाइफ का प्ले किया है माही गिल ने। इन दोनों की अब काफ़ी अच्छी खासी बनती नहीं है और दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं और एक दूसरे से डाइवोर्स चाहते हैं। वहीं इन दोनों का एक बेटा और एक बेटी भी है। बेटे का कैरेक्टर प्ले किया है शार्दुल राणा ने, और शार्दुल राणा का कैरेक्टर कुछ ऐसा है कि वो मस्त राम जैसी एडल्ट मैगजीन्स में लगा रहता है, पढ़ता रहता है और मकान मालिक की लोंडिया को ताड़ता रहता है। मतलब मकान मालिक की लड़की उसकी गर्लफ्रेंड होती है। और मूवी में सुनील की मम्मी का कैरेक्टर प्ले किया है डोली अहलूवालिया ने, जिसके ऊपर पूरी मूवी की स्क्रिप्टिंग हुई है। सुनील की मम्मी जो कि 30 साल से कोमा में, वहीं डॉक्टर एक दिन बताता है उनको कि इनको कल होश आने वाला है, और अगर इनको ये सब बता दिया कि आप 30 साल से कोमा में हो तो ये और भी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाएंगे। तो वहीं से और मूवी में इंटरेस्ट बढ़ता जाता है आपका और मज़ा आने लग जाता है मूवी के अंदर। कैसे सुनील 80s का माहौल क्रिएट करता है अपनी मम्मी के लिए और उनको पता नहीं चलने देता कि वो 20s में है, काफ़ी अच्छा लगता है और वही देख के आपको बहुत मज़ा आएगा। और मूवी के एंड में सुनील की मम्मी को कैसे पता चलता है कि वो 30 साल से कोमा में थी, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो बात करते हैं इस मूवी के ओवरऑल रिव्यू की। तो ये मूवी आपको एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। मूवी का फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा है, मूवी के स्टार्टिंग से ही आप मूवी से कनेक्ट हो जाओगे और आप सोचोगे ये मूवी मैंने पहले क्यों नहीं देखी। पर वहीं धीरे धीरे जैसे मूवी बढ़ती जाती है तो जो सेकेंड हाफ है वो बोरिंग सा है, पर फिर भी जो आपने फर्स्ट हाफ देखा है उसके लिए आप पूरी मूवी देख लोगे। और बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स की, तो कैमरा वर्क कुछ नया नहीं है, मतलब कुछ सिनेमेटोग्राफी या नए नए एंगल्स नहीं देखने को मिलते हैं। एडिटिंग लेवल भी एवरेज है। म्यूजिक इसमें कितने थे, गाने इसमें लगभग 3 हैं या 3 या 2 है मुझे भी याद नहीं। मतलब म्यूजिक इसका इतना इम्पैक्टफुल नहीं था कि आपको याद रहे मूवी के बाद कि इसमें ये सॉन्ग थे। पर मेरी मानो तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखो। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, नहीं तो वीडियो को डिसलाइक कर देना। वहीं अगर आपने ये मूवी देखी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ये मूवी आपको कैसी लगी। मुझे तो काफ़ी पसंद आई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।